स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। अगर आप में कुछ हटकर सोचने की काबिलियत है और आप क्रिएटिव हैं, साथ ही क्रिएटिविटी की दुनिया में कुछ नया करने की चाहते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। वर्चुअल और ग्राफिक आर्ट का इन दिनों इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, इसलिए जहां जॉब्स की संभावनाएं जो हैं वो अधिक हो गई हैं। हर तरफ दिखती चमक ग्राफिक डिजाइनिंग की ही मेहनत है। तो हालांकि दुनिया भर समेत भारत में ग्राफिक डिजाइनर की भारी मांग है, डिमांड है, लेकिन इसलिए यह एक लोकप्रिय करियर विकल्प जो है वह बनता जा रहा है। हालांकि अक्सर लोगों के मन में इस प्रोफेशन को लेकर कंफ्यूजन बनी रहती है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए कौन सा कोर्स जो है वह किया जाए और कौन सा कोर्स बेस्ट है, किस इंस्टीट्यूट से करना ठीक रहेगा, कोर्स करने के बाद जॉब से कितनी कमाई जो है वह होगी। ऐसे सभी सवालों के जवाब हम अपने इस खास कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको डिटेल्स जो है वो दे देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करने के, जब हम बात करते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर के क्या कुछ प्रकार होते हैं, क्योंकि सबसे पहला जानना ये जरूरी है कि जब हम ग्राफिक डिजाइनर्स की बात कर रहे हैं तो इनके प्रकार क्या क्या हैं। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर के क्या कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ब्रांड पहचान और लोगो डिजाइन जो है, इस तरीके के ग्राफिक डिजाइनर जो है वे रहते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पैकेजिंग डिजाइन, जब भी आप किसी पैकेट को देखते हैं तो पैकेजिंग को डिजाइन किया जाता है ग्राफिक डिजाइनर द्वारा। तो वेब और मोबाइल डिजाइन, साथ ही लेआउट और प्रिंट डिजाइन, ये अलग अलग तरह की कैटेगरी है। और आप जब ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स करते हैं तो आप इस तरीके से इस ग्राफिक डिजाइनर करियर के अंदर जा सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स जो है वह कैसे किया जाए, तो चलिए पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। तो बैचलर इन फाइन आर्ट्स जो है आप करिए, और फाइन आर्ट्स करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वे कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। और साथ ही और क्या ऑप्शन है, जब आप ग्रेजुएट होते हैं डिप्लोमा इन डिजाइन, तो ये भी एक ऑप्शन है। ये आपको हम अलग अलग ऑप्शंस जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो है अपना करियर बना सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। सो बता दें विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, इसका कोर्स जो है आप कर सकते हैं। अलग अलग आपको बता दें कोर्स की जो है ड्यूरेशन रहती है। साथ ही डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन, बहुत सारे बच्चे जो है डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन अपनी ग्रेजुएशन के साथ करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एडवर्टाइजिंग के अंदर जो है आप पढ़ाई जो है कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के अंदर अगर आप ग्राफिक्स की पढ़ाई करते हैं तो ये पूरे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अलग अलग तरीके से डिप्लोमा की तरह 4 साल किस तरीके से आप किस लेवल पर ग्राफिक डिजाइनिंग जो है करना चाहते हैं, तो ये सब आपके पास ऑप्शन है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर जब हम बात करते हैं तो आगे जाके क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो पब्लिक रिलेशन के अंदर आप जा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जी ये पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन में किस तरीके से जाया जाए। तो आप सवाल जो है पूछ सकते हैं, हमारी कॉल लाइंस जो है वो लगातार बनी रहेंगी और आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आपको बता दें कि आप न्यूज़पेपर के अंदर जो काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर आप काम कर सकते हैं, वेब पेज मैगजीन के अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जहां पर अभी हम मौजूद हैं यहां पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद मीडिया हाउसेस के अंदर जॉब कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब आप ट्रेलर्स देखते हैं, आप इवन पोस्टर भी देखते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो जो काम होता है पीछे वो केवल और केवल ग्राफिक डिजाइनर का होता है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर गेम्स की बात करते हैं। हम आजकल हर वक्त देखते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है गेम्स खेलते हुए नजर आ रही है। डिमांड जो है भारत के अंदर गेम्स की बढ़ गई है, ग्राफिक डिजाइनर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और साथ ही आपको बता दें कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के अंदर आप काम कर सकते हैं, एनिमेशन के आप अंदर काम कर सकते हैं जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग की पढ़ाई जो है करते हैं, कोर्स अगर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी, क्योंकि अंत में आके हर एक चीज जो है वो आ जाती है सैलरी के ऊपर कि मैं इसमें कमा कितना पाऊंगा। तो ग्राफिक डिजाइनर की आपको बता दें कि सैलरी जो है लगभग, जब स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं, 30,000 तक जो है मंथली सैलरी जो है वह लग जाती है। फिर इसी के साथ लोगो डिजाइनर की जब हम बात करते हैं तो लोगो डिजाइनर की भी लगभग 29,000 तक की सैलरी जो है लग जाती है। पैकेजिंग डिजाइनर की अगर हम बात करेंगे कंपनीज के अंदर जब भी होती है 31,000 तक सैलरी पैकेज जो है वह रहता है मंथली। और फिर उसके बाद बात करते हैं मल्टीमीडिया डिजाइनर, 30,000 तक की जो है आपका मंथली सैलरी जो है वो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है कोर्स करने के बाद मिल जाती है, लेकिन प्रोपोर्शनल है आपके कोर्स क्या है, इन सभी कोर्स जितनी भी जॉब्स हैं उसके ऊपर जब हम बात करते हैं। तो हर महीने ग्राफिक डिजाइनर की मल्टीमीडिया डिजाइनर के अंदर जो है ये जॉब रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा इस इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं
कि ग्राफिक डिजाइनर के अंदर डिमांड है भी कि नहीं। 2018 और 2021 के अंदर जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि लगभग इन सालों के अंदर 22% तक इस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई। और कारण कुछ ये भी रहा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर एक चीज डिजिटल होते हुए नजर आ रही है, तो ये डिमांड आने वाले समय के अंदर कितनी बढ़ेगी, हमने इसकी भी रिसर्च करी तो पता चला कि 2022 और 2026 तक लगभग 25% की बढ़ोतरी की संभावना, यानी कि पोटेंशियल है कि इतनी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से इसकी डिमांड जो है बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि VFX का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। YouTube में भी आपको बता दें जिस तरीके से YouTube जो है बढ़ रहा है, यूट्यूबर्स को जब आप देखेंगे वो ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा डिमांड जो है वे कर रहे हैं। जब ग्राफिक डिजाइनर की जब हम बात करते हैं तो वो उसको इम्प्लॉय करते हुए नजर आते हैं यूट्यूब चैनल्स वाले। तो ये होली अगर हम बात करें, डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से करें, किस लेवल की करें, 4 साल करें, 1 साल करें, तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। इस प्रकार भारत में ग्राफिक डिजाइनिंग का दायरा जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, ना केवल भारतीय कंपनियों में बल्कि अंतरराष्ट्रीय कंपनी भी बड़ी है। और साथ ही ग्राफिक डिजाइनर क्यों बनना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो है इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। आप अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। टीम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नंबर्स जो है दिखाइए, और कॉलर से ये व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कॉल लगाएं तो अपना ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़ा जो भी आपके मन में सवाल हो, ये ना सोचिए सवाल तो इतना जरूरी नहीं है। नहीं, हर एक सवाल आपके करियर से जुड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आगे जाके कितने साल का कोर्स जरूरी रहना चाहिए, क्या भारत से बाहर भी इसकी कोई संभावनाएं हैं, अच्छा फ्यूचर है कि नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए जो है वह जा सकते हैं। तो अगर आपके मन अंदर क्रिएटिविटी है, कल्पना आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत अच्छे से इमेजिनेशन जो है वे कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, ये सब इंटरेस्ट आपका है, तो क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जाना चाहिए? अगर ये मन में आपके सवाल है तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, उनसे आप सवाल पूछिए। नंबर्स आप सभी की टीवी स्क्रीन के ऊपर 01140328250। कॉल लगाइए, पूछिए अपना सवाल एक्सपर्ट से, वह आपको गाइडेंस देंगे कि क्या आपके लिए राइट करियर पाथ जो है वो होगा। और कॉल लगाकर बेहद जरूरी है कि जब आप सोच रहे हैं कि करियर बनाने के लिए, बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं कि आगे जाके इसका स्कोप है कि नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहेगी, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो कॉल लगाइए और पूछिए सवाल। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ अम्बरीश कुमार जुड़ गए हैं, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर हैं। आशीष भाटिया हमारे साथ करियर काउंसलर हैं। प्रोफेसर योगेंद्र पांडे हमारे साथ कॉन्फ्यूपर यूनिवर्सिटी से हैं, और साथ ही गुरप्रीत सिंह ग्राफिक्स एंड IT हेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय अपना देने के लिए। अमरीश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक बच्चे को किस तरीके से, एक स्टूडेंट्स को किस तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है कि उसको आगे जाकर ग्राफिक डिजाइनिंग उसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा? जी, पहले तो आपको मैं तो ये बताना चाहूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं या फिर जो जिसको इस फील्ड में आना है, उनको थोड़ा सा पहले से ही मतलब जिसको आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट हो, थोड़ा स्केचिंग आता हो और थोड़ा क्रिएटिव हो, कुछ अलग करना चाहता हो, तो वो ग्राफिक्स इंडस्ट्री में आए। और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है और अच्छा कर सकते हैं अगर उनके अंदर क्रिएटिविटी है तो। तो क्रिएटिविटी किस तरीके की, क्या उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इस तरीके की, या फिर किस तरीके की क्रिएटिविटी की आप बात कर रहे हैं? देखिए, वन लाइन में मैं बताऊंगा, इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ एनिमेशन। तो अगर भी आपके पास इमेजिन करने का कैपेसिटी है, आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मतलब आप ये समझो कि हट के सोचना है आपको, हर दिन कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है, क्योंकि एक ग्राफिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो एक बार ही आपने बना दिया वो बार बार लोग नहीं देख सकते। एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, फिर बोर हो जाएंगे ज्यादा देखने से। तो आपको हर दिन कुछ नया देना है, नया कॉन्सेप्ट सोचना है, नए कॉन्सेप्ट पे काम करना है। और आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, पूरी इंडस्ट्री लगभग ग्राफिक्स बेस हो गया है। चाहे कोई भी फिल्म देख लो, चाहे आप यूट्यूब, आपने अभी बताया यूट्यूब के बारे में बता रहे थे, वहां भी बिना ग्राफिक्स का कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हैं।
प्रोफेसर आपके पास मैं आना चाहूंगी, योगेंद्र जी, इस इंडस्ट्री की आने वाले समय के अंदर ग्रोथ क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर हर कोई कंटेंट बनाना चाह रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि डिजिटल सब कुछ चीजें जो है होती जा रही है, बिजनेस अपना हर कोई डिजिटल लेकर आता जा रहा है, तो क्या आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ने वाली? आने वाले समय में बिल्कुल इसी की ही डिमांड रहेगी, क्योंकि मैं मेन सब्जेक्ट पे आने से पहले इतना कहना चाहता हूँ, इस समय वेडिंग सेशन चल रहे हैं और एक सामान्य व्यक्ति जब उसको पार्लर में या उसको सजा के एक दूल्हा बनाया जाता, दुल्हन बनाई जाती, तो उसका लुक चेंज हो जाता है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि फिर उसकी उसका लुक पहले वाले लुक से और फिर बाद वाले लुक से कितना कितना कास्टली हो जाता है। सेम यही प्रोसेस हमारे ग्राफिक डिजाइन के भी कोर्स में है कि आजकल ग्राफिक डिजाइन का ही बोलबाला है और उसी की डिमांड हर हर इंडस्ट्री में, हर कोई चाहता है कि बेहतर बनना चाहता है, तो इसका ग्रोथ बहुत है। और ये इंटर की बात से ही स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, एमएफए कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां इसका ग्रोथ ना हो, और हर स्टूडेंट जो भी क्रिएटिव है, जो भी कुछ अच्छा कर सकता, जो भी कुछ अच्छा सोच सकता है, क्यों कहिए कि स्टोरी टेलर, तो वह इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बना सकता है। और बहुत आपने जो इसकी सैलरी बताई है, सैलरी पैकेज, ये तो सैलरी पैकेज आपने बहुत नॉमिनल बताया इन जनरल, लेकिन जो फिल्म 3 घंटे की बनाई जाती है, 2.5 घंटे की फिल्म बनती है, उसका जो प्रोमो डिजाइन होता है, उसमें ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली अपना सब कुछ डाल देता है उसी प्रोमो, उसके टीचर में, और वह इतना कास्टली हो जाता है कि लोगों को फिल्म तक खींच सके। तो इसकी सैलरी जो है लाखों तक पहुंचती है अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप बेहतर कुछ सोच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम यह समझते हैं कि एजुकेशन फील्ड में अगर कोई बड़ा नाम करना चाहता है और बड़ा जिसका गोल है, वह इस पेशे को चुन सकता है। आशीष, आपके पास मैं आना चाहूंगी, सवाल बहुत सिंपल है, कोई ग्राफिक इंडस्ट्री क्यों चुने, क्यों ग्राफिक डिजाइनर बने? जी आशीष। देखिए, ग्राफिक डिजाइनर्स जो हम अभी ग्राफिक डिजाइनर्स बोल रहे हैं, वो होता है 2D इमेज, जो हम स्टिल इमेजेस होती है, वो होता है ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स, ये सब करियर्स आते हैं। जैसे आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बताया, बैचलर इन डिजाइन, ये सब करियर्स में आप यूआई यूएक्स, ग्राफिक डिजाइन, ये ना ही ये बहुत जगह, जैसे वेबसाइट्स में यूज होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज होता है, ऐप डिजाइनिंग में यूज होता है, तो इसमें बहुत बहुत फ्यूचर है आगे, क्योंकि आजकल हर एक इतनी सारी वेबसाइट्स है, डिजाइनिंग पे इतना कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी वेबसाइट देखते हैं, तो डिजाइन बहुत मैटर करती है, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली होता है जब 3D, जब हम कोई भी स्टिल इमेज को मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम एनिमेशन, VFX, तो ये दो पार्ट्स हैं, 2D और 3D। जो हम ग्राफिक डिजाइनर बोल रहे हैं वो 2D पार्ट में आता है, और एनिमेशन जैसे मल्टीमीडिया एनिमेशन, ये सारी चीजें, बैचलर इन विजुअल आर्ट, ये इसके बाद आप एनिमेशन में भी जा सकते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, 2D और 3D। अभी अगर आपको एनिमेशन में एंटर होना है तो बैचलर्स इन मल्टीमीडिया, देखिए मल्टीमीडिया जो हम बोलते हैं, मल्टीमीडिया एक ब्रॉडर कैटेगरी है, मल्टीमीडिया के अंदर एनिमेशन भी आता है, फोटोग्राफी भी आता है, ग्राफिक डिजाइन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो अगर आप कोई भी डिग्री, जैसे बैचलर्स डिग्री का नाम आप देखेंगे, तो वो BA इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन आपको दिखेगा, क्योंकि मल्टीमीडिया एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर ये एनिमेशन और फोटोग्राफी, ये सारी चीजें, स्कल्पटिंग, ये सब चीजें अंदर आती है। तो ये एक है। दूसरा ऑप्शन है BA इन विजुअल आर्ट्स भी कर सकते हैं बच्चे, विजुअल आर्ट्स के बाद में भी आप एनिमेशन, ये सब इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन में आपको अपना आगे बहुत बहुत चीजें होती है, जैसे प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, आप एडिटर बन सकते हैं, आप स्टोरी बोर्डिंग में जा सकते हैं। तो जो बेसिक 12th के बाद जो डिग्रीज होती है, आप एक जनरल डिग्री चूज करते हैं, जहां पे आपको हर चीज का एक आइडिया लगता है, राइट? एनिमेशन का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, एटसेट्रा, यूआई यूएक्स। उसके बाद में आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, क्या आपको ग्राफिक डिजाइनर में
आगे जाके मास्टर्स करना है, यूआई यूएक्स में एंटर करना है आपको, एनिमेशन में भी आपको कौन से पार्ट में, जैसे आपको स्टोरी बोर्डिंग में एंटर करना है, आपको एडिटिंग या कंपोजिटिंग में एंटर करना है, राइट, तो उसके बाद भी आप स्पेशलाइजेशंस आपको चूज करनी पड़ती है, बट इनिशियल जो बैचलर्स डिग्री होती है ट्वेल्थ के बाद ये काफी जेनरिक होती है। तो क्यों किसी को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्या स्किल सेट के ऊपर मेरा सवाल था। गुरप्रीत, मैं आपके पास आने से पहले अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा नंबर्स जो हैं वो दिखाइए, और अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक्सपर्ट्स आपके साथ मौजूद हैं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा जहां आप अपने करियर की सलाह जो है वे ले सकते हैं, राइट करियर पास जो है वो चुन सकते हैं। कॉल लगाइए और पूछिए अपना सवाल, क्योंकि बेहद जरूरी है एक सही करियर को चूज करने के लिए आपके काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी पेरेंट के मन में भी, किसी पेरेंट के मन में ये सवाल हो कि माँ बाप के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि कौन सा करियर हमारे बच्चे के लिए बेहतर रहेगा, तो पेरेंट्स भी कॉल लगाकर अपने बच्चों के लिए सवाल जो है वे पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से कि क्या होगा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आगे जाकर करियर। 0114032850 कॉल लगाइए, पूछिए अपना सवाल। जी गुरप्रीत, आपसे मेरा सवाल है, आखिरकार हर एक चीज जो है वो आ जाती है स्किल्स के ऊपर और पैशन के ऊपर, कैसे एक बच्चा खुद एनालाइज करे कि जी मेरे लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन है, आपने किस तरीके से सोचा था कि मुझे इस करियर के अंदर आना है। जी गुरप्रीत जी नमस्कार। ऐसा है भी, जो आईटी फील्ड है वो किसी, मतलब ऐसा नहीं है भी किसी को पता नहीं है, आजकल हर चीज में आईटी है। आप किसी भी कोई भी ऑफिस कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको मिनिमम एक कंप्यूटर तो रखना ही पड़ेगा। जहाँ पे आपने एक कंप्यूटर रखा, आप समझिए कि आपकी आईटी आपके इन्वॉल्व होगी आपके बिजनेस में, और बिजनेस ग्रोथ करता है आईटी के साथ, बहुत बहुत ग्रोथ करता है। जितने जितना आप आईटी का काम बढ़ाते रहेंगे उतना उतना आपका बिजनेस भी ग्रोथ करता रहेगा, और वाइस वर्सा है, जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा आपको उतना आईटी भी साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा है भी, ये कुछ ऐसा नहीं है भी माइंड सेट नहीं था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो माइंड सेट नहीं था भी हमें आईटी में ही जाना है, बेसिकली क्या था, ग्रेजुएशन करी और उसके बाद। गुरप्रीत आप आईटी के ऊपर बोल रहे हैं, मेरा सवाल ग्राफिक्स के लिए है कि ग्राफिक्स के अंदर किसी को जाना है। ये दो जो फील्ड है ना, ये जो दो फील्ड है ग्राफिक्स और आईटी, ये दोनों मिलते जुलते हैं। अगर हम एक ऑफिस में काम करते हैं ना जहाँ ग्राफिक्स और आईटी है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आईटी नहीं होगी तो ग्राफिक्स वाला भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस रहेगा, और अगर ग्राफिक्स वाला अगर हमारे साथ तो गुरप्रीत एक कॉलर जो है जुड़ गए हैं। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना नाम बताइए, लोकेशन बताना ना भूलिएगा, और क्या है आपका सवाल। जी नमस्कार, ग्राफिक्स वाला भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस रहेगा। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नमस्कार जी, मैं त्रिभुवन बोल रहा हूँ जी, क्या है आपका सवाल। दिल्ली से ही बोल रहा हूँ मैं। सर आपका सवाल क्या है। सवाल ये है कि अभी वो सारे HTML वगैरह सारा चीज कर रहा हूँ मैं, MA किया हुआ है, तो उसमें ग्राफिक डिजाइन क्या कितना इम्पोर्टेंट होता है। आशीष क्या कहना चाहेंगे इस पर आप। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नहीं समझा, उन्होंने HTML किया उन्होंने ये। तो इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की वो बात कर रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको HTML आता है तो बहुत अच्छी बात है, जो आप वेबसाइट डिजाइन जो होती है उसमें आपको CSS HTML आता है, तो आप और डीपली आप उसको वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं, और डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग आता है तो आप उसको एक एस्थेटिक लुक भी दे सकते हैं वेबसाइट को। तो HTML तो बेसिकली कोडिंग होता है, जो सर मेंशन कर रहे थे कि IT भी एक पार्ट है। तो आजकल क्या है कि जब हम हायर करते हैं तो कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। आप इसे कंटिन्यू रखिएगा आशीष, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल लेते हैं और आप इसके ऊपर भी जवाब देते रहेगा। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपना नाम और लोकेशन बताइए और अपना सवाल। कॉलर हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज दोबारा कॉल करिए और पूछिए अपना सवाल। जी आशीष, ओवर टू यू। राइट, तो जो HTML वो बोल रहे थे बहुत अच्छी बात है, उनको HTML भी आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग में उनको एक एक्स्ट्रा स्किल एड ऑन, एक अपस्किल हो गया है उनके लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जो बता रहे थे कि क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, देखिए हम करियर काउंसलिंग जब करते हैं तो हम एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, राइट। तो बच्चे जब हमारे पास आते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि क्या हम एनिमेशन करियर में जाए नहीं जाए, राइट। तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड इंटरेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मैं आपको दो तीन पैरामीटर्स बता देता हूँ जहां पे रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको एनिमेशन में एंटर करना है। तो जैसे अभी एक करियर हो गया एनिमेशन, और दूसरा करियर हो गया, एक और होता है एडिटर, राइट,
जब हम एडिटिंग करते हैं तो हम एक टेस्ट लेते हैं विच इज कॉल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट. उसमें आपको वही चीज बार बार करनी पड़ती है राइट. उसमें वो टेस्ट में इट इज टू फाइंड आउट कि आप रेपिटेटिव टास्क बट बोरिंग आप कितनी एक्यूरेसी में कर पाते हैं. कोई कोई जो स्टूडेंट्स है रेपिटेटिव टास्क से बोर हो जाते हैं और वो एरर्स देने लगते हैं. तो इसका मतलब उनके लिए ये एडिटर कॉम्पोजिटर ये सब फील्ड सूटेबल नहीं है क्योंकि उसमें आपको रोज वही काम करना पड़ेगा और आपको एक्यूरेसी लानी पड़ती है. तो ये एक स्किल है जो एडिटर के लिए रिक्वायर्ड है. वेयरएज आप एनिमेटर बनते हैं ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं तो एक विजुअल स्किल्स करके हम एक बेसिक टेस्ट लेते हैं. विजुअल स्किल्स मतलब आप कितने अच्छे हैं बेसिक 3D विजुअलाइजेशन में. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक टेबल दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि टेबल का टॉप व्यू कैसा दिखेगा या बॉटम व्यू या साइड व्यू कैसा दिखेगा, तो कोई कोई लोगों में वो बेसिक ड्रॉइंग मतलब विजुअलाइजेशन नहीं होती है कि वो साइड व्यू एक टेबल का नहीं बना पाएंगे कि 3D में कैसा दिखेगा. तो ये हम बेसिक चीजें टेस्ट करते हैं कि क्या उनका एप्टीट्यूड एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइनिंग में ये विजुअल स्किल्स मैच कर रहा है कि नहीं. दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्सनालिटी. जो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको नहीं पता लगती है, बट जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं 9 से 6 राइट, क्योंकि एनिमेशन एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको पीसी के सामने 9-9, 10-10, 12-12 घंटे बैठना पड़ता है राइट. जहां पे आपको बहुत दिन हो जाते हैं जहां आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है. अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट आप बहुत सोशल पर्सन है राइट, आपको हो गया राइट क्रंचिंग जॉब है, तो वैसे ही ये भी क्वाइट सिमिलर पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट है. जहां पे आपको डेस्क जॉब है, आपको अपने कंप्यूटर के साथ ही आपको कोई ह्यूमन इंटरेक्शन कुछ नहीं है. अगर आपका पर्सनालिटी वैसा नहीं है, आप बहुत सोशल हैं, तो हो सकता है आप 12-12 घंटे पीसी के सामने नहीं बैठ पाए और 1-2 साल बाद आप शायद क्विट कर दे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं करे. तो ये भी एक फैक्टर है जो आप जब एनिमेशन या एडिटिंग ये सब करियर्स में जाते हैं तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर अमरीश आप क्या कहना चाहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है किसको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये करियर उसके लिए नहीं बना, उस व्यक्ति के लिए नहीं बना. क्योंकि जैसे अभी आशीष ने बताया जो एक्सट्रोवर्ट इंसान है भाई वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा 9 से 10 घंटे पीसी के सामने बैठकर. हाँ ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि किसको नहीं करना चाहिए. सबसे पहले तो मैं बताऊंगा उसको नहीं करना चाहिए जिसके पास पेशेंस नहीं है. और पेशेंस के साथ आपको आपके पास अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस फील्ड में मत आइए, क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट होगा आपका और पैसे भी वेस्ट होंगे. तो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. और मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि किसी की फोर्स देख रहे हैं कि वो अच्छा कमा रहा है तो मैं भी ये कोर्स कर लेता हूं और हो जाएगा मेरा भी. लेकिन जब वो जाते हैं वहां पे और जब उनको पढ़ाया जाता है मैथ्स और इन सारी चीजें जब पढ़ाया जाता है, जब वहां पे सिखाया जाता है. अमरीश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं. कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपना नाम लोकेशन और क्या है आपका सवाल. जी हेलो, रवि बात कर रहा हूँ नई दिल्ली से. जी रवि क्या है आपका सवाल? सवाल ये है कि इंटर हमारा कंप्लीट हो गया तो आगे हम कौन सा ऐसा कोर्स करें. रवि आपकी आवाज जो है क्लियरली नहीं पहुंच रही है, दोबारा दोहराइए अपना सवाल. मैडम कह रहे हैं कि हमारा इंटर कंप्लीट हो गया, अब ऐसी कौन सी डिग्री या डिप्लोमा करें जिससे हम ग्राफिक्स डिजाइन के लिए बेहतर. ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं? नहीं अभी नहीं चल रहा है. तो इसके ऊपर अमरीश क्या कहना चाहेंगे कि ग्राफिक्स के अंदर उनको डिप्लोमा करना चाहिए या फिर उन्हें कोई डिग्री जो है वो हासिल करनी चाहिए, अभी ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंचे हैं वो. जी अमरीश मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्राफिक्स फील्ड तो ऐसा है ना कि या तो आप 10-12 कर लिए, मतलब ये पढ़ाई तो जरूरी है, ये तो साथ में चलते रहना चाहिए. लेकिन आप अगर आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, तो फिर ये आप कोर्स करिए. इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ये करना है या ऐसा कुछ करना है. आपके अंदर मतलब क्रिएशन जो रहता है ना, वो मतलब अंदर से वो चीजें आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ डिजाइन बनाना चाहता हूँ, कुछ VFX बनाना चाहता हूँ. तो वो चीजें अगर यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल कोर्स करें और सीखें इसको कैसे करते हैं. क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है तो टीचर जब आपको वहां पे बताएंगे कि इसमें ऐसे करते हैं तो आप कुछ और ज्यादा करते हैं उसमें से. और प्रैक्टिस इसमें सारा कुछ है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा करेंगे. बिल्कुल
तो प्रोफेसर आपसे मेरा सवाल रहेगा, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात के शौकीन होते हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी ग्राफिक डिजाइनर को काम करना है तो उसके लिए करियर पाथ क्या है? फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे ग्लोरियस पार्ट है, हर कोई उसको पसंद करता है और जब फिल्म बन के तैयार होती है तो लोग उसको देखने भी जाते हैं। उसको देखने लायक लुक बनाने का कार्य हमारे एडिटिंग डेस्क और ग्राफिक डिजाइनर्स ही मेन करते हैं। अभी एक नई मूवी आ रही है अवतार 2, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही, वो भी एनिमेटेड मूवी है और हम लोग उसको देखते हैं कि अवतार फर्स्ट हम लोगों ने देखा, उसको काफी लोग लाइक की, हाउसफुल चली, काफी उसकी कमाई हुई। ये व्यवस्था ऐसी है, फिल्म लाइन ऐसा है कि जो भी क्रिएटिव व्यक्ति है, जो भी कुछ अच्छा बना सकता है, कुछ सुंदर बना सकता है, वह जो है इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है और इसके लिए कोई बहुत बहुत स्किल की जरूरत नहीं है। एक बार आ गया उसको डिजाइनिंग, तो वह इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री हो या मीडिया इंडस्ट्री हो, या भी गुजरात का इलेक्शन हुआ, हिमाचल का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करने के लिए, या बहुत एग्जिट पोल आए, ओपिनियन पोल आए, इनको खूबसूरती से प्रस्तुत करने की एक विधा है ग्राफिक डिजाइनिंग। और फिल्म चूंकि पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है तो वह कैसे देखा जाए, कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, ये डिजाइनर हमारे करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट है, अगर करियर बनाना चाहता है और वह पैशनेट है, वह जो है ज्यादा काम करने के लिए इच्छुक है, तो वह फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वह बहुत ही एक्सपर्ट हो, अगर उसे अपने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उस पे नॉलेज है, सॉरी जी, अगर उसे एडिटिंग नॉलेज है तो वह जो है अपने सीनियर के साथ में जुड़ के काम कर सकता है और उसके बाद अपने तमाम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में वह फिल्म को खूबसूरत बना सकता है, अपने फिल्म की जो स्टूडियो टीम है उसके साथ में जुड़कर और अपने स्किल को दिखा सकता है। गुरप्रीत से मेरा सवाल रहेगा, लेकिन इसी बीच मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कॉल लगाइए और पूछिए अपना सवाल। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी फील्ड से, जिन्होंने खुद इस करियर के अंदर अपना करियर जो है बनाया है। तो जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर की बात करते हैं, तो वही लोग आपको इस करियर की बेहतरीन जानकारी देंगे जो इस करियर में खुद मौजूद हैं। तो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि ग्राफिक इंडस्ट्री के अंदर ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको बनना है तो किस तरीके से आप जा सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। गुरप्रीत आपसे मेरा सवाल रहेगा, फिल्म इंडस्ट्री, अगर किसी व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो क्या सिर्फ उसके कॉन्टैक्ट होने जरूरी हैं या फिर वो अपनी काबिलियत के ऊपर वहां तक पहुंच सकता है, क्या उसके लिए पाथ जो है वो रहेगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर उसको जाना है तो? देखिए मैम, दोनों चीजें जरूरी है, कॉन्टैक्ट भी होने चाहिए, क्योंकि अगर हम सोशल नहीं है, हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है तो सिर्फ स्टडी भी काम नहीं आती है। तो अगर आपके पास स्किल है, आप काम करना चाहते हो इस चीज में, तो आप कहीं पे भी अगर किसी छोटे से ऑफिस में भी काम कर रहे हो ना, तो टैलेंट छुपता नहीं है, ये बहुत क्लियर है, टैलेंट नहीं छुपता है। अगर आप किसी डायरेक्टर से कभी नहीं मिले हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी फिल्म इंडस्ट्री में जाके क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। जब आप चीजें करते हो तो वो चीजें पब्लिश होती है, क्योंकि ग्राफिक्स का काम ही यही है, जब वो बनता है तो वो चीजें पब्लिश होती है, वो कहीं पे भी हो, चाहे वो छप रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, तो वो चीजें पब्लिश होती है। तो जब पब्लिश होती है तो वो लोगों में जाती है, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट हैं और आप काम भी अच्छा, बहुत अच्छा करते हो काम, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इजीली जा सकते हो। इतना ऐसा नहीं है भी कुछ बार है नहीं जाना है या नहीं जाना। तो क्या इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको ग्राफिक्स के अंदर जाना है तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स जो है वो होता है गुरप्रीत, या फिर कोई रेगुलर ग्राफिक डिजाइनर डिप्लोमा करके जा सकता है? देखिए जो प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं ना और गेस्ट भी बैठे हुए हैं, सब बताया है भी जो कोर्सेज हैं, जो कोर्सेज है वो ऐसे कोई स्पेशलाइज ऐसा कोई कोर्स नहीं है भी हम यही करेंगे और मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। एक ग्राफिक्स का एक सबसे बेसिक कोर्स है फोटोशॉप, ये सबसे बेसिक है। अगर आप पहले ग्राफिक्स करते हो तो आप फोटोशॉप भी सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद एडवांसमेंट होती है, फिर आपकी आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन जैसी है जो आपको लेनी पड़ती है, अडोब की सर्टिफिकेशन ले लो या किसी और चीज की सर्टिफिकेशन। अब अडोब ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर दे रखे हैं,
जैसे अडोब आफ्टर इफेक्ट भी है, अडोब प्रीमियर भी है, एडिटर्स प्रीमियर करते हैं और आफ्टर इफेक्ट करते हैं हमारे ये ग्राफिक डिजाइनर, कॉरल के शॉप्स हैं ये। अब मार्केट में बहुत सारी ऐसे अभी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हैं अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे हम ले सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनी है, विजर्ड का नाम ले सकते हैं, वॉस्क का नाम ले सकते हैं, ये सारी कंपनीज अभी एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। अगर आप इन पे काम करते हो, ये ऑनलाइन ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स भी दो तरह के, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन जी। तो ये जो वॉस्क है, विजर्ड है, ये सब ऑनलाइन ग्राफिक्स है। मतलब आप इस पे अगर आप स्क्रीन पे कुछ चला रहे हो तो ऑनलाइन आप ऐसा है भी एडिट करते जाओ और वो साथ के साथ चलता जाए। हमारे साथ गुरप्रीत कॉलर जुड़ गए हैं। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अपना नाम बताइए, लोकेशन बताना ना भूलिएगा और क्या है आपका सवाल। मैं राधिका बोल रही हूँ जयपुर से। मेरा सवाल है कि मैं आगे जाके ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं डिप्लोमा करूँ या डिग्री करूँ इसमें। तो सवाल राधिका का है, आशीष की डिप्लोमा बेहतर रहेगा या डिग्री बेहतर रहेगी? जी आशीष। देखिए डिग्री तो हमेशा अच्छी होती है, अगर आप डिग्री करते हैं आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है, इनडेप्थ नॉलेज मिलती है, तो डिग्री ऑलवेज बेटर देन डिप्लोमा। अगर आप 12th के बाद डिग्री करेंगे 3 साल की 4 साल की, जैसे विजुअल आर्ट्स हो गई जहाँ 4 साल लगते हैं, या बैचलर इन फाइन आर्ट्स हो गया, तो यहाँ पे डीप स्टडी होती है, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और उसके बाद आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक शॉर्ट कोर्स या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बट आपके पास एक बैचलर्स डिग्री आ जाती है, तो बैचलर्स डिग्री होना 12th के बाद बहुत जरूरी है, तो आपका ये भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है और आप और भी करियर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब आप। तो क्या ऐसा जो है कर सकते हैं आशीष की, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपनी 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए ऑनर्स कर रहा है, या फिर मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, और उसके साथ साथ वो एक साल साल के अंदर अलग अलग तरीके का डिप्लोमा जो है वो ग्राफिक्स के अंदर कर रहा है, ऐसा भी कोई ऑप्शन जो है वो है स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हमारे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं। देखिए अभी कैसे है कि काफी बच्चे डरते हैं एनिमेशन 12th के बाद बैचलर्स इन एनिमेशन या ऐसी कोई डिग्री करने से, क्योंकि जब आप ऐसी कोई डिग्री करते हैं तो आपके एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपका एक करियर। आशीष आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी, एक और कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अपना नाम और लोकेशन बताइए और क्या है आपका सवाल। नमस्ते, मेरा नाम रमेश है और मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है ये ग्राफिक्स वाली चीज को लेकर, जिस तरह से क्या नाम है, हम लोग देखते हैं फिल्मों में जो ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग होती है हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों के लिए, तो क्या उसके लिए किस तरह के कोर्स के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज से करने पड़ेंगे या प्राइवेट से करना पड़ेगा, रास्ता क्या है वहाँ तक पहुँचने का? अमरीश क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं, अभी सर ने अवतार मूवी का ही डिस्कशन किया था, जब हम हॉलीवुड के अंदर मूवीज देखते हैं वीएफएक्स होते हैं, तो इस तरीके का अगर किसी को काम करना है तो उसको किस तरीके की कोर्स करने की जरूरत है? जी अमरीश। बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जाना है तो आपको मोशन ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स है, उसमें आपको सारा कुछ जैसे आफ्टर इफेक्ट बेसिक है मोशन ग्राफिक्स का, उसके बाद आपको 3D सीखना होता है उसमें, फिर उसमें बहुत सारे उसमें अलग अलग चीजें हैं जिससे कि आप करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप सीखेंगे तो आप मोशन बना सकते हैं उसमें, जैसे VFX जो होता है, जो भी आप हम लोग जैसे बहुत पहले तो आता था, जैसे एक ओम नमः शिवाय करके एक सीरियल 3D पे आता था, उसमें तांडव देखते थे शिव जी का पूरा फायर में होता था, तो वो अब क्या है वो बेसिक हो गया है अभी, अब उससे बहुत हाईटेक हो गया है अभी। आप बहुत सारे 3D एनिमेशन के जैसे अवतार बता रहे थे, तो बहुत बहुत अभी हाईटेक हो गया है टाइम, तो आपको उसी हिसाब से आपको सीखना भी पड़ता है। 3D जो फील्ड है अभी सारा कुछ 3D हर जगह 3D का डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे अभी हमारे पैनल में कोई बता रहे थे कि विजार्ड के बारे में बता रहे थे या वास्क के बारे में बता रहे थे, तो ये सारा कुछ 3D है, आपको बेस सीखना पड़ेगा, बेस सीखने के बाद आप आगे जाते हैं और उसमें फिर विजुअल इफेक्ट्स और बहुत सारी चीजें होता है जो कि आप सीखते हैं, एविड लिक्विड इतना सारा सॉफ्टवेयर है, आप पूरी लाइफ आपको पढ़ना है, पूरी लाइफ आपको सीखना है, और जब आप बेहतर करेंगे तो आपका डिमांड बढ़ता रहेगा। तो कहीं आशीष ऐसा तो नहीं है कि ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी बन चुकी है, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि आपने अपनी बेसिक तो सीख ली जो अमरीश ने बात बोली,
वो तो रहनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंटिन्यूसली जो है सीखते रहना है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट है, डायनेमिक है, चेंज होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर आशीष आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब ये काफी आईटी जैसी है, जैसे टेक्नोलॉजी नई आते रहती है, जैसे सॉफ्टवेयर्स नए आते होंगे और एडवांस सॉफ्टवेयर्स आएंगे तो आपको सीखना तो पड़ेगा, राइट? आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर से नहीं काम कर सकते हैं। आशीष हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, कॉलर से रिक्वेस्ट रहेगी, नाम बताइए, लोकेशन और क्या है आपका सवाल। मैं मेरठ से बोल रहा हूँ जी, यूपी। आपका नाम? पंकज अग्रवाल। जी पंकज, आपका सवाल बताइए। मेरी डॉटर ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मतलब उसने बीएससी का कोर्स किया था, अप्लाइड आर्ट से उसने मास्टर की थी, उसमें ग्राफिक डिजाइनर, वो जॉब भी कर रही ग्राफिक डिजाइनर की मेरठ में, लेकिन यहाँ पर उसको वो अपलिफ्टिंग नहीं मिल पा रही है, तो वो अपने आप के लिए आपको और अपलिफ्ट करने के लिए वो उसे कौन से फील्ड में ट्राई करना चाहिए और किसी किस पर्टिकुलर केस उसमें, अभी वो एक एड एजेंसी में एज ए सीनियर ग्राफिक डिजाइनर की जॉब कर रही है और इसी इंडस्ट्री में रहना चाहती है पंकज, वो अभी उसका जितना अभी उसका आपका सवाल है। जी पंकज, आशीष पंकज का सवाल बहुत सीधा है कि अभी जो उनकी डेजिग्नेशन है वो उससे अभी इतनी सैटिस्फाइड नहीं है, तो इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या उनका आगे का करियर पाथ होना चाहिए? ग्राफिक्स का कोर्स उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। जी आशीष, देखिए आप टाइम के साथ ही उनको प्रमोशंस मिलेगी, मतलब पेशेंस तो उन्हें रखना पड़ेगा, राइट? कोई भी फील्ड में, तो अभी वो सीनियर ग्राफिक डिजाइनर है तो वो एक्सपेक्ट कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन है, बट उनको रुक मतलब और काम करना पड़ेगा इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में आपको ऊपर जाने के लिए उसमें थोड़े साल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो थोड़ा पेशेंस रखेंगी तो उन्हें डेफिनेटली और आगे ग्रोथ मिलेगी। आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं उन्हें डेफिनेटली, सिंस वो ऑलरेडी सीनियर ग्राफिक डिजाइनर है, उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या सॉफ्टवेयर या क्या सीखना चाहिए, तो धीरे धीरे अपना स्किल्स डेवलप कर सकती है और फिर दूसरे कंपनीज में ट्राई कर सकती हैं, राइट? अगर उनको और मतलब तो क्या पार्ट टाइम कोर्सेज भी आशीष इसके अंदर होते हैं, क्योंकि वो रेगुलर अभी जॉब जहां तक मैं समझ रही हूँ कि वो कर रहे हैं, तो इसके लिए कोर्सेज जो हैं कुछ ऐसे उपलब्ध हैं कि सैटरडे संडे को हो रहे हैं कोर्स के लिए वो पढ़ने के लिए जा रही हैं, कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी है अगर वो जॉब के साथ साथ कोर्स करती रहे? क्योंकि राइट, तो जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया कि काफी सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं एनिमेशन में, राइट? तो वो एक एक मतलब ये सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने पड़ते हैं, तो वो वीकेंड्स पे या तो क्लासेस लगा के, प्राइवेट क्लासेस लगा के वो सॉफ्टवेयर्स सीख सकती हैं। हमारे साथ आशीष एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपना नाम, लोकेशन और क्या है आपका सवाल। जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी। हेलो जी सर, आपका नाम और आपकी लोकेशन, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी। हेलो, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, आवाज जो है वो नहीं पहुंच रही है कॉलर तक, प्लीज आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जी आशीष, ओवर टू यू। राइट, तो देखिए एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि जैसे मैं पहले बोल रहा था कि काफी बच्चे जो आते हैं दसवीं बारहवीं में जिन्हें एनिमेशन में एंटर करना है, बट उन्हें थोड़ा ये रिस्की लगता है, थोड़ा ऑफ बीट करियर लगता है, राइट? पेरेंट्स भी बोलते हैं कि एनिमेशन हमें नहीं पता है, राइट? उसमें क्या करियर होगा क्या नहीं, उन्हें बीकॉम पता है, राइट? इंजीनियरिंग पता है, ये सब जो कन्वेंशनल करियर्स हैं, तो उन्हें थोड़ा डर लगता है एनिमेशन में एंटर अपने बच्चों को डालने। बट इसमें ये एक और ऑप्शन है कि मतलब एनिमेशन में जाने के लिए नॉट नेसेसरीली कि आप बारहवीं के बाद एक बैचलर्स इन एनिमेशन करें, आप एक जनरल डिग्री बीकॉम बीए भी है उसके बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं एनिमेशन में, तो एनिमेशन में एंट्री आप कर सकते हैं, कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास होगी तो आप बाद में डिप्लोमा कोर्सेज करके आप एनिमेशन इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। सेकेंडली, जरूरी नहीं है कि आपको अगर आपको एनिमेशन इंडस्ट्री में एंटर होना है, जरूरी नहीं है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आप बारहवीं के बाद भी डिप्लोमा करके एनिमेशन इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं। ये फॉरेन में इन्हें करियर कोर्सेज बोलते हैं, मतलब जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी होती आगे दसवीं या बारहवीं के बाद, तो जैसे हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं जिनको जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी है, तो वैसे फॉरेन में करियर कोर्सेज होते हैं जहाँ पे लोग एनिमेशन के डिप्लोमास कर लेते हैं और उन्हें। अच्छा, इसके अंदर तो आशीष ऐसा भी हो सकता है जिस बच्चे को ज्यादा किताबी कीड़ा बनने का शौक नहीं है तो वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है।
डेफिनेटली, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि काफी बच्चे जिन्हें पढ़ाई करने का या दसवीं या बारहवीं के बाद मन नहीं है राइट, तो वो एनिमेशन के कोर्सेज करके आपको जॉब भी लग जाती है, करियर कोर्सेज होते हैं। तो करियर गुरु सवाल पूछिए, आपके पास चंद मिनट हैं क्योंकि बहुत जल्द हम वाइंड अप करने वाले हैं, लेकिन आप अपना सवाल पूछिए करियर गुरु के अंदर, हम आपको हर एक करियर से जुड़े, और आज जो करियर जो है हमारा ऑप्शन वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सब कुछ डिजिटल होते हुए नजर आ रहा है। तो हमारे साथ कॉलर जो है वो जुड़ गए हैं, कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना नाम और लोकेशन और सवाल बताइए। जी हाय, मेरा नाम मानसी है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोरल और इलस्ट्रेटर कैसे सीख सकती हूँ। मानसी एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराएंगी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं कोरल और इलस्ट्रेटर कैसे सीख सकती हूँ। तो हमारे साथ गुरप्रीत है, गुरप्रीत मानसी का सवाल अगर आप समझ पाए हो तो क्या कहना चाहेंगे अब इस पर। जी गुरप्रीत, आप तक आवाज पहुंच रही है। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी हाँ जी। तो इन्होंने दो सॉफ्टवेयर का नाम लिया है, कॉरल और इलस्ट्रेटर, वही बात होगी जो मैंने पहले बताई थी कि इलस्ट्रेटर जैसे अडोब है, अडोब का इलस्ट्रेटर है, इन्होंने अगर वो सीखना है तो वो नॉर्मल इंस्टीट्यूट जैसे हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इनका ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से ये सीख सकते हैं, बहुत इजीली ये सिखा सकते हैं, और अगर इनको आता है, थोड़ा बहुत आता है और इनको सिर्फ उसमें एक्सपर्टीज चाहिए तो ये यूट्यूब पे भी सर्च करके उसका क्लियर कर सकते हैं। तो कॉरल में भी वही चीजें, ग्राफिक्स का काम होता है सारा कॉरल में, तो कॉरल भी यही है, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडॉब मिल जाएगा कॉरल भी वहीं पे आप सीख सकते हैं। आई होप मानसी आपका सवाल जो है वो क्लियर, आपको क्लैरिटी जो है मिली हो। तो इसी के साथ गुरप्रीत, प्रोफेसर योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आशीष और हमारे साथ अम्बरीश जो है वे जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। तो डिस्कशन आज बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन होते हुए नजर आ रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट बनते हुए नजर आ रहा है, और हर जगह जो है विजुअलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ग्राफिक डिजाइनर्स की भी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो क्या होना चाहिए आपका करियर पाथ, आज इसी पे थी हमारी चर्चा। तो फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करियर के एक नए विषय के ऊपर। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। भैया जी हमला, भैया जी 10 गोलियां ले ले। गोलियां नहीं रज्जा, गोली। पर बाहर तो 10 लोग हैं। 10 हो या पूरी बस, अब तो बस 1 है तो डन है। इसको कोई वॉचो वॉच कराओ, जब वॉचो मिले ढेर सारे ओटीटी एप्स एक ही प्लान में, तो हर कोई बोलेगा वॉचो 1 है तो डन है। वॉचो प्लान स्टार्टिंग एट जस्ट 42 रुपीज पर मंथ, आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं सिलेक्ट प्लान्स पर एक महीना कॉम्प्लीमेंट्री। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव कोई दूसरा सीमेंट, आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक